हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज अ ब्रेकफास्ट चैनल। तो दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच शेख जायद स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन गेंदबाजों का बोलबाला रहा। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड को महज 153 रन पर समेट दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे पाकिस्तान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भी दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान के 2 विकेट 59 रन पर ही गिरा दिया। और पहले दिन का खेल जब रोका गया तब पाकिस्तान के हैरिस सोहेल 22 रन और अजहर अली 10 रन बनाकर खेल रहे थे। पाकिस्तान ने अपना पहला विकेट 27 रन के कुल स्कोर पर गिरा। वही इमाल उल हक 6 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें कोहली नदीग्रहण डहोम ने अपना शिकार बनाया। इसी स्कोर पर ट्रेंट बोल्ट ने दूसरे ओपनर मोहम्मद हफीज को 20 रन पे पवेलियन का रास्ता दिखलाया। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से पहली पारी में 94 रन पीछे और उनके 8 विकेट बाकी हैं। इससे पहले पाकिस्तानी गेंदबाजों ने कीवी बल्लेबाजों का विकेट पर पैर जमाना मुश्किल कर दिया। न्यूजीलैंड ने अपने 3 विकेट 39 का स्कोर बनने तक ही गंवा दिए। हालांकि इस मुश्किल वक्त में उसके कप्तान केन विलियमसन ने अच्छी पारी खेली। उन्होंने 112 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 63 रन बनाए और हेनरी निकोल्स ने 78 गेंदों पर 28 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान के लिए 32 साल के यासिर शाह ने 3 विकेट अपने नाम किए। मोहम्मद अब्बास, हसन अली, सोहेल ने 2-2 विकेट लिए। बिलाल आसिफ को 1 सफलता मिली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए विजिटर है हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। इससे आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहेंगी।